नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि आज वो प्रधानमंत्री का फर्ज निभा रहे हैं, जिससे बीजेपी भयंकर टेंशन में है। क्योंकि देखिए, जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी को उठाना चाहिए, जिन जिन मुद्दे पर मोदी को बात करनी चाहिए, आज वो सारे काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक पीएम का फर्ज राहुल गांधी निभा रहे हैं। अब इन्हीं बातों के बीच राहुल गांधी ने युवाओं के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, राहुल गांधी इस वक्त छोटे से छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और जनता के लिए अपनी आवाज आगे रख रहे हैं। जनता जो नहीं कह पा रही है या जिस बात को जनता की जिस बात को सरकार नहीं सुन रही है, आज राहुल गांधी उस बात को मोदी तक पहुंचा रहे हैं। अब इन्हीं बातों के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए युवाओं के बीच बढ़ते आत्महत्या को लेकर सवाल उठाया। राहुल गांधी कहते हैं, देश में युवाओं के बीच बढ़ता आत्महत्या दर बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। पिछले दशक में जबकि 0 से 24 आयु के बच्चों की जनसंख्या 58.20 करोड़ से घटकर 58.10 करोड़ हो गई है। छात्र आत्महत्याओं की संख्या चौंकाने वाले रूप में 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गई है। आगे राहुल गांधी ने कहा, भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, लेकिन अफसोस की बात है कि शक्ति को सही इस्तेमाल की सुविधाओं की जगह उन्हें कठिनाइयां और मजबूरियां मिल रही है। ये सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही गहरी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा, भयंकर बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगी पढ़ाई, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक असमानता, आज के विद्यार्थी ऐसी अनगिनत समस्याओं से जूझते हुए सफलता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने मोदी को एक तरीके से नसीहत देते हुए कहा, मेरी सरकार से अपेक्षा है कि वो विद्यार्थी और युवाओं के इस कठिन रास्ते को आसान करने की हर संभव योजनाएं बनाए, उनके रास्ते में बाधाएं नहीं, उन्हें समर्थन पहुंचाए। विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि उन्हें मानसिक समर्थन और प्रोत्साहन दे। आगे राहुल गांधी ने देश के युवाओं से कहा, देश के युवा साथियों से अपील है कि समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाओ, सवाल करो, अपना हक मांगो, डरो मत, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपके अधिकार दिलाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ता रहूंगा। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के साथ मिलकर वो मोदी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। इसको लेकर यही कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर राहुल गांधी ने युवाओं से भी कहा है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए और उनकी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाए, डरे बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने युवाओं के साथ मिलकर इस बार मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको राहुल गांधी का एक दमदार भाषण सुनाते हैं, सुनिए। चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था सर। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर,
मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं।